तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जादू से इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार गिरने का खतरा यहां पर मंडरा रहा है, क्योंकि बीजेपी से यहां पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान और कांग्रेस के कई एमएलए जो है वो लापता यहाँ पर चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अचानक से यहाँ पर सियासी भूचाल आ चुका है, और जिस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना था, जिस प्रकार से यहाँ पर चुनावी प्रचार किए गए थे, चुनावी जो वादे किए गए थे, जिनमें कमलनाथ सरकार का 10 दिन में किसान कर्ज माफी का वादा हो, या यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता को लेकर आदित्य शिक्षक नियमितीकरण, या कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर अब तक कोई यहाँ पर बड़ा कार्य कर नहीं पाई सरकार। इसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इससे पहले यहाँ पर दिग्विजय सिंह भी सरकार के खिलाफ हो चुके हैं, और इससे पहले बड़ी खबर थी कि सरकार गिरने का जो है संकेत मिल रहा है। तो आज जो है बड़ी खबर यहाँ पर सियासी समीकरण यहाँ पर बिगड़ सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि 10 से 12 एमएलए जो है वो अब लापता हो चुके हैं। अब वो किसके संपर्क में है, बीजेपी के साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर आपसी ही विवादों में ये सरकार गिरने वाली है। बहुत जल्द यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ सिंह के बीच जो है सीएम पद को लेकर खींचतान शुरू से ही यहाँ पर जारी है, और कुछ दिनों में ये खींचतान काफी बढ़ चुकी है। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीरें मांगी थी यहाँ पर कमलनाथ सरकार ने, इससे पहले कुछ और यहाँ पर निर्णय कमलनाथ सरकार के या सीए का जो विरोध किया गया, इसको लेकर विधायक जो है, काफी विधायक जो है उनसे नाराज चल रहे हैं, ऐसी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एमपी में जो है जीतू पटवारी जो कि यहाँ पर मंत्री हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो काम किया है वो शिवराज सिंह चौहान ने किया है, और कहीं ना कहीं इसकी सजा बीजेपी को मिलेगी। हालांकि ये अब खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बीजेपी का जो ऑपरेशन था लोटस या अंदरूनी कलह, हालांकि बीजेपी इसको अंदरूनी कलह मान रही है कि कांग्रेस में ही अंदरूनी कलह है, इसके कारण ये सरकार गिरने वाली है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि ये सब शिवराज सिंह चौहान की देखरेख में ये सब हो रहा है, लेकिन कई विधायक जो है वो वापस आ चुके हैं, ऐसी भी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। 10 से 12 जो विधायक थे वो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बागी हो चुके थे, उनमें से यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि कम से कम 7 विधायक अब कांग्रेस में वापसी कर गए, लेकिन अब भी 4 से 5 विधायक ऐसे हैं जिनका अब तक कांग्रेस से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर कह रही है कि बहुत जल्द यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है, अगर सरकार गिरती है तब। लेकिन अगर आंकड़े देखा है किस प्रकार के आंकड़े अब तक मध्य प्रदेश के लिए है, हालांकि 2 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, लेकिन कांग्रेस 114 तो बीजेपी 107, क्योंकि इससे पहले 109 थी, लेकिन अब 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बहुत जल्द इसकी भी जानकारी आपको देंगे कि वो सीटें कौन कौन सी हैं और कौन सी वो सीटें जीत सकता है, बीएसपी की 2 और एसपी का 1 और निर्दलीय 4। 121 के बहुमत से कांग्रेस सरकार है, लेकिन अब कांग्रेस सरकार पर कहीं ना कहीं गिरने का खतरा जो है वो सामने आ रहा है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस का यहां पर मानना है कि ये सब शिवराज सिंह चौहान की देखरेख में हो रहा है, क्योंकि 50 से 60 करोड़ रुपए एक यहां पर विधायक को खरीदने के तौर पर दिए जा रहे हैं, और उनको मंत्री पद और आने वाले चुनाव में उनको टिकट दिया जाएगा, ऐसी खबर यहाँ पर कांग्रेस मान रही है कि ये सब बीजेपी करा रही है। जबकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आपसी कलह के कारण ये सरकार अपने पैरों तले दबने वाली है। बहुत जल्द यहाँ पर एमपी में शिवराज सिंह चौहान नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, ऐसी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।